अमित त्रिवेदी के साथ काम करके क्या क्या आपने सीखा है, उनके साथ काम करना कैसा रहता है? सीखा तो मतलब मेरे लिए तो इज द वन जिसकी वजह से मैं यहाँ पर इंटरव्यू दे रहा हूँ, उन्होंने पता नहीं कहाँ से ढूंढ के निकाला। और वो एक टाइम था जब मैं यशराज स्टूडियो में पहली बार गया, उनसे मैं पहली बार मिला। उसके बाद में एक बहुत लंबी जर्नी हमने साथ में की है, मैंने बहुत सारे लाइव शोज़ किए। और अमित त्रिवेदी एक एग्जांपल है कि कैसे आप अपने काम से जीत सकते हैं। कहीं वो दिखते नहीं हैं या उनके कोई इंटरव्यूज या ये, बस उनका कोई काम आता है और लोगों को पता चलता है कि अमित त्रिवेदी का म्यूजिक आया, बस वही काफ़ी है। आई थिंक उनको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो उनका जो उन्होंने अपना नाम बनाया है, इतने बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स, इतना बॉलीवुड का लार्जर देन लाइफ हमारे म्यूजिक होते थे, उसमें कहीं ना कहीं अपनी एक अपना एक साउंड बना, साउंड मतलब आप सुन के बोल सकते हो कि ये अमित त्रिवेदी है। मेरे ख्याल से वही उनकी जीत है कि आज अमित त्रिवेदी को बस उनका नाम सुन के, उनका काम सुन के लोग पागल हो जाते हैं। यही चीज़ सीखने के लिए थी कि आप कितना हम्बल हो सके, और उतना हम्बल हो के जितना आप ऊपर जाओ उतना आप हम्बल होते जाओ और बस अपने काम से जीतो। Same goes with Shankar-Ehsaan-Loy, of course, with whom you did this fantastic song in Bhaag Milka Bhaag. हवन करेंगे भी एक ऐसा गाना था, मतलब मुझे पता ही नहीं था, मेरी आवाज़ ख़राब थी और फिर मैंने गाना गाया, मतलब ऐसे वो भी ऐसे लग रहा था कि Shankar-Ehsaan-Loy मतलब डिसिप्लिन, चुपचाप बैठे रहो, ये गाना दिया है ख़राब गाया तो डांट पड़ेगी, ये हुआ। और वो तो हमसे भी छोटे बच्चे की तरह काम करते हैं, माहौल ऐसा रहता है कि मतलब ऐसे मस्ती हो रही है हर चीज़ में, बट देन जब गाना आप गाते हो तो सामने शंकर जी खड़े हैं तो आप कोई मिस्टेक कर ही नहीं सकते हो, बिकॉज वो गाइड इतना अच्छे से करते हैं और उनको पता है कि एक सिंगर, क्योंकि वो जो आपसे गवाना चाहते हैं वो खुद गा के बता सकते हैं। मतलब बहुत सारे कंपोजर्स ऐसे होते हैं जो नहीं बता सकते, बट ही इज़ द पर्सन जो आपको सीधा बोल सकते हैं कि ऐसे गा, तो आपका काम वैसे आसान like हो जाता गुरु है। जी। मतलब शंकर भगवान है वो गाने के। ब्यूटिफुल। तो मुझे ना मतलब कभी भी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं एक बहुत ही ऐसी जगह पर आऊँ जहाँ पे मैं नर्वस हूँ। ऑफकोर्स मैं हुआ था पहले, बट शंकर जी ने इतनी अच्छे से मुझे कूल डाउन किया, एंड एहसान और लॉय सर एकदम हमेशा एक स्माइल के साथ में बैठे रहते हैं, तो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही कमाल का एटमॉस्फेयर। आई कैन ऑल्सो से दैट म्यूजिक कंपोजर्स लाइक Shankar-Ehsaan-Loy, अमित त्रिवेदी, सचिन जिगर, दे ऑल हैव एक्सपेरिमेंटेड विथ योर वॉइस एंड एक्सप्लॉइटेड you know the singing style in the best way. To give you a song in Dil Dhadakne Do, phir bhi ye zindagi, wo char line ne mujhe mere pure zindagi ki singing sikhayi hai. Main ek bahut hi chanchal aise nahi hu, harkat aise fast aur ye powerful singing, ha zor se ye, wahan par aake mujhe rok diya ke bhai sun, tu gaata hai acha gaata hai, but jo aap sunana cha rahe ho na usko acche se sunao. To wo बहुत ही मैटर किया, वो चार लाइन ने मुझे रियल में एक सुलझा हुआ और एक ठहराव वाला सिंगर बनाया। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं और बहुत सारे हिट गाने गाए हैं और ऊपर वाले की दुआ से, और बट ये जो चार लाइन थी उसने मुझे मेरी सिंगिंग के बारे में बताया एक कि रास्ता तेरे को ऐसे गाना है, ऐसे तो आगे बढ़ सकता है। Wow, beautiful. It's one of my favorite songs in Dil Dhadakne Do. Let's just have a few lines of that song. Uljhi hui ye doriya, uljhi hui ye doriya, suljha le dil ki tu sune agar, दिल सच्चा है दिल वाले। दिस वॉज माई पार्ट एंड इसके बाद में द सॉन्ग गोज एंड ये चार लाइन थी जो मुझे मेरी लाइफ की सिंगिंग जिसने सिखाई है। वाओ ब्यूटीफुल। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट यू स्पोक इन द बिगिनिंग, योर लव फॉर फोक म्यूजिक ऑफ इंडिया। आई थिंक फोक के ऊपर हम चल रहे हैं। बॉलीवुड में जितने भी आप गाने सुनेंगे, जो पंजाब का जो भी मतलब जो छाया हुआ है खुमार, वो फोक के ऊपर बेस्ड है। और इससे बड़ा रिचनेस आई थिंक कोई भी म्यूज़िक में नहीं है। हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास इतनी अलग अलग लैंग्वेजेस के फोक हैं।
गुजराती से लेके मराठी से लेके राजस्थान से लेके जितना अपन स्टडी करने जाएंगे उतना ही आपको कुछ नया मिलेगा उसमें. तो बीइंग ए राजस्थानी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे मैं अपने जो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में करने की सोच रहा हूँ या करना चाहता हूँ उसमें कैसे मैं फोक म्यूज़िक को आकर लिख रहा हूँ और उस वाले जोन को थोड़ा सा टच करें. तो मुझे बड़ा मज़ा आता है जब भी कोई फोक आर्टिस्ट गा रहा होता है और जब हम राजस्थान घूमने जाते हैं या गुजरात जाते हैं कोई फोक चीज़ें सुनते हैं तो इंस्टेंट वो आपके कानों में यू नो गूंजने लगती है और आप उसको गुनगुनाने लगते हो. तो आई थिंक उससे रिचनेस इससे रिच और कोई फॉर्म ऑफ म्यूज़िक है ही नहीं. दिस इज़ वन मांड विच वी कॉल इन राजस्थान जो मेरे दादा जी ने गाई है और उन्होंने कंपोज किया. मारा हंजला रे मारू आप रे वो नीरा तलरी. मारा हंजला रे मारू आप रे वो नीरा तलरी. हो रे वो नीरा तलरी हो रे वो नीरा तलरी. मारा अंजला रे मारू मारा मिठोड़ा रे मारू मारा हो आछोड़ा रे मारू आपा कर श्याम निडेरी. बात रे मारा अंजला रे मारू आप रे वो नीरा तलरी. दिस इज वन ऑफ द मांड्स विच उनके जो गाए हुए हमारे पास हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कभी कभी गाने की उनको. और कितनी अच्छी ट्रेनिंग भी हो जाती है व्हेन यू सिंग अ फोक सॉन्ग क्योंकि वो यहाँ वहाँ एकदम ऊपर नीचे इट इज नॉट योर सिंपल. बिल्कुल अभी बीच में ही बुआ जो मेरी है उन्होंने बताया था कि लता जी की एक चला वाही देश एक एल्बम है हृदयनाथ मंगेशकर जी ने कंपोज की. वो पूरी एल्बम सुन के ऐसा लगता है कि एक सिंगर को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं. अगर आप उसका एक एक गाना गाने की कोशिश भी करोगे तो आपको पता चलेगा कि सिंगिंग क्या होती है. मराठी या इट्स अ मराठी एंड उसमें बहुत सारे जॉनर मतलब मारवाड़ी का भी एक गाना है उसमें मराठी भी है उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के गाने हैं. और मतलब हम सरस्वती माँ उनको बोलते हैं वो ऐसे ही नहीं बोलते हैं. वो अगर आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि एक सिंगर को बनने के लिए अगर आपने ये चीज़ सुन ली तो आप कुछ भी यू नो गा सकते हो या अगर उन्होंने कोशिश कर ली वो गाने. मैं आजकल उस पर ट्रिप कर रहा हूँ जो आजकल लोग बोलते ट्रिप कर रहे हैं. Yes. तो आई एम ट्रिपिंग ऑन चलावाई देश. Oh, lovely. I think we should definitely check it out. Divya, you have sung in various languages. Yeah. Yeah. And I should definitely mention your song in the Gujarati film that won the National Film Award, that your Wrongside Raju. Wrongside Raju. That was again Sachin Jigar. क्या बोलूँ इतना प्यारा गरबा है इतना प्यारा रास गरबा है गाते ही मतलब गुजरात में तो वो पागल हो जाते हैं. It's like, और उसमें मैंने ड्रम्स भी बजाए हैं. Oh. तो या ये असिस्टेंट होने के कुछ फायदे होते हैं जो आप ले सकते हैं. ट्रेलर वर्जन है जिसमें कीर्ति दान गढ़वी सर ने भी गाया उसको. फिल्म वर्जन है जो मेरी आवाज में था. सो गोरी राधा ने काड़ो कान गरबे घूमे भोली भान. गोरी गोरी राधा ने काड़ो कान गरबे घूमे भोली भान. राधा नु रूप छे કાનુડાની પ્રીત છે જગની રીતનું શુકામ. રાધાનું રૂપ છે તો કાનુડાની પ્રીત છે આંખો માંડીને જુએ ગા. ગોરી રાધાને કાળો કાન ગરબે ઘૂમે ભૂલી ભાન. થેન્ક યુ. उनके साथ में मतलब मैंने असली म्यूज़िक मेकिंग प्रोसेस जो होता है वो सीखा है. और मुझे ये जानना था कि अगर मैं सिंगर नहीं बन पाया भगवान ना करे तो मैं क्या करूँगा. तो मुझे ये चीज़ मुझे सीखनी थी क्योंकि मैं पापा के साथ में बचपन में रिकॉर्डिंग में जाता था तो मुझे वो बहुत अट्रैक्ट करता था कि इतने सारे लोग मिलकर म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं या क्या हो रहा है. तो प्रोसेस ऑफ म्यूज़िक यस तो वो मुझे सीखना था. और आज जैसे कि आप जानते हैं कि एक स्टूडियो छोटे से अंदर सब कुछ हो जाता है तो वो मुझे सीखने की बहुत मतलब अंदर से वो होता था. सो
I got lucky कि मैं प्रिया मेरी बचपन की दोस्त है उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया और उसके बाद से हम साथ में Yeah, whenever I have met Sachin Jigar, I have either spotted you there jamming with them and Jigar has always told that you know हम लोग रात रात भर jamming करते रहते मैं दिव्या and all so मतलब amazing deadline होती थी और हम लोग PlayStation खेल रहे होते थे काट देना बाद में नहीं बट हम लोग बहुत अच्छे से काम करते थे और टाइम पे काम करते थे पर साथ में मस्ती भी बहुत होती थी वाओ अमेजिंग वी आर टॉकिंग अबाउट सचिन जिगर तो उनका एक सॉन्ग है सुन साथिया सुन साथिया के भी एक बहुत ही कमाल की स्टोरी है द एबीसीडी जो फर्स्ट पार्ट था उसका एक बैकग्राउंड स्कोर था जो हमसे क्रैक नहीं हो पा रहा था लॉरेन की एंट्री एक बैले से होती है और उसका म्यूजिक हमको करके रखना था एंड सुबह रेमो सर उसको देखने आने वाले थे कि क्या म्यूजिक बनाए हमने और उनको कुछ हटके चाहिए था उसमें एक बैले म्यूजिक नहीं चाहिए था जो डांस चल रहा है कंटेम्प्रेरी और वो तो हमसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो हम खाना खाने चले गए हम खाना खा के आए हम फिर प्ले स्टेशन खेलने लग गए और 4 बजे सुबह सचिन के दिमाग में कुछ घंटी बजी एंड देन ही सैट ऑन द पियानो और उसके बाद हिस्ट्री है उसके बाद मैं प्रिया से गाने लिखवाए और उसने गाया फिर मैं उस्ताद सलामत अली खान साहब का एक वीडियो देख रहे थे रात को और वो कैसे गा रहे थे और सामने गुलाम अली साहब बैठे थे और उन सुन रहे थे तो मैं ऐसे बैठे बैठे मुझे आदत है इमिटेट करने की तो मैं हाँ ऐसे गा रहा था उनकी तरह और ऐसे आलाप वालाप कर रहा था तो अचानक से सचिन ने कंपोज किया उसके बाद प्रिया ने गाया उसके बाद बोलता अब जो तो वो कर रहा था ना अब कर रही गाने में तो मुझे बैठ के उसने आलाप गवाए बहुत सारे आलाप गा रहा हूँ मैं सरगम गा रहा हूँ ये कर रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें गा के उसको कल्मिनेट करके उसको तोड़ मड़ोड़ के एक यू नो एक 40-50 सेकेंड का एक म्यूज़िक बना जो सुन साथिया था वो एंट्री जो लॉरेन की थी वो एक कमाल लग रही थी और मैं लग ही नहीं रहा था कि पहले म्यूज़िक होना ज़रूरी था एक इंडियन गाना आके उसके ऊपर एक बहुत You know, कमाल का सीन को एक एनहांस कर दिया उसने इन अ फिल्म लाइक एबीसीडी लाइक कंटेम्पररी म्यूजिक चाहिए था रेमो सर को और आपने हिंदी एक बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक गाना उसमें बनाया उसमें तबला वबला भी बजवाया था और सुबह रेमो सर आके देखा और ही लव्ड इट और बस वो बैकग्राउंड स्कोर में एबीसीडी 1 में चला गया उसके बाद रिलीज होने के बाद में ऑडियंसेस ने डिमांड की कि ये गाना चाहिए हमको बहुत मैसेजेस आते थे सचिन जिगर को कि सुन साथिया का पूरा वर्जन चाहिए पूरा वर्जन चाहिए तो ऑडियंस की डिमांड पर उसको सेकंड में एक गाने के तौर पे एक वापस उसका अंतरा कंपोज किया गया और उसको रिलीज़ किया एक गाने के तौर पे वाओ अमेजिंग तो आई एम ग्लैड कि उस रात को मैं पागलपंती कर रहा था और वो गाने का हिस्सा मैं बन गया जाऊँ रे मैं तर जाऊँ तर तर जाऊँ दरिया ये तर जाऊं जी इश्क ये पाके मैं तेरा निखर जाऊं री सुन साथिया माहिया बरसा दे शिका की स्याहिया any messages that you have like you know for the aspiring singers ki aise kya cheeze hain jo unko dhyan mein rakhni chahiye dhyan mein bas yahi rakhna chahiye ki aap apne skills ko develop karte rahein aur bahut bhag daud machi hui hai abhi logo mein reality shows dekh lo ya koi bhi cheez mein sabko social media hai jald se jald star banna hai to mujhe aisa lagta hai ki एक बहुत अच्छी फिल्म में बताया गया कि आप अपनी स्किल्स को डेवलप करो सक्सेस अपने आप पीछे आती है सो मेरे ख्याल से पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है आजकल और वो कहीं का ना कहीं खोता जा रहा है लोगों में तो बस थोड़ा सा ध्यान और थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो और अपना काम करते रहो और तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ वापस यू नो गिफ्ट के तौर पर मिलती है जो आप चाहते हो सक्सेस या ये करना चाहते हो वो करना सो Be a little patient and things will follow. That's wow. it. और मुझे भी ऐसा लगता है कि बाहरी या ऊपरी what you call superficial ना होके अंदर के skills को strong करें और उसी से सब कुछ है बाकी तो एक गाना गा के हिट होके कोई भी आके जा सकता है तो बहुत सारे लोग आ भी रहे बट यस अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए
Thank you so much. What is your creative discipline? बस डिसिप्लिन ये है कि मैं जब काम पर जाता हूँ तब मैं सिर्फ काम करता हूँ. अगर मैं कहीं लेट भी पहुँच रहा होता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो काम मुझे दिया गया है उसको मैं फटाफट सीखूँ. वो एक ग्रास्पिंग पावर होती है इंसान की कि आप कितना अच्छे से सीख सकते हो. तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि म्यूज़िक डायरेक्टर्स आज बहुत स्ट्रेस में हैं, सबको बहुत सारा काम करना है और उसके ऊपर सिंगर भी आके 2 घंटे लगाएगा तो मतलब वो और स्ट्रेस में आ जाए. तो मैं मेरी कोशिश ये रहती कि मैं चलो बिकॉज शंकर जी तो टाइम ही नहीं देते हैं, एक बार गाना सुना रिकॉर्ड हाँ ओके सर रिकॉर्ड. फिर अंदर जाके आप अपने दिमाग में प्रिपेयर होना पड़ता है कि आपने सुन लिया है गाना और वो ट्यून क्या थी. So you have to be really prepared, yes, and you have to be really sharp or matlab laid back attitude to chalega hi nahi. Bahut fast hai, of course industry mein bahut fast kaam hota hai, par aapko apna core itna strong karna hai ki jab aap kaam ke liye jao prepared ho ke ha ye cheez aise hogi, ye cheez aise hogi, ye cheez. To mujhe jab koi sikhata hai gana main koshish karta hu usko jald se jald seekhne ki, even the expressions ya uske jo lyrics hain उसको पढ़ के लिख के क्या इसका मतलब है, क्या सिचुएशन है, वो भी समझ में आ जाती है. ऑफ कोर्स जब आप सुनते हो एक लाइन के इसमें दर्द लिखा हुआ है, इसमें डांस लिखा हुआ है, इसमें रोना लिखा हुआ है, तो आपको समझ में आ जाता है कि ये इस जॉनर का सॉन्ग है. थैंक यू सो मच. एंड लास्टली हाउ वाज इट वर्किंग फॉर साजिद वाजिद? दिस इज अ वेरी इमोशनल प्रोजेक्ट फॉर देम, साजिद भाई वाजिद भाई, एंड यू नो बड़े भाइयों की तरह एक बहुत ही चिल्ड आउट साजिद भाई. ऑफ कोर्स बहुत ही बिड़ू टाइप हैं एंड वाजिद भाई बींग अ मेंटोर बड़े मेरे पापा और उनके पापा ने बहुत काम किया है साथ में. ऑफकोर्स दबंग का जो टाइटल ट्रैक है वो उन्होंने मुझसे गवाया है. रियली ग्लैड कि मैं वापस सलमान सर की आवाज़ में मतलब उनके लिए मैंने गाया कोई गाना. तो आई जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि ये एल्बम बड़ा हो और वापस दबंग की एक लेगेसी यू नो चलती रहे. सो लेट्स हैव एक्सक्लूसिवली ऑन दिस पॉडकास्ट The song Hood Hood. Main hu dabang 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 dabang, 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 chulbul 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 dabang 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 dabang. This is the new edition, chulbul dabang. For now, abhi I have started my own, मतलब एक कोशिश कर रहे हैं हम लोग एक सूफी म्यूज़िक को यू नो लाइव इनकॉर्पोरेट करने की. मतलब लोग करते हैं बट मैं उसको अपनी तरीके से यू नो थोड़ा अलग अलग म्यूज़िकल जॉनर्स में उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो उसका नाम सूफी नामा है और अभी हमने कुछ शोज़ किए हैं उसके और आई थिंक जो म्यूज़िक मुझे सुकून देता है वो मुझे करने का मौका मिल रहा है. तो सूफी म्यूज़िक नुसरत साहब, राज साहब और शफकत अमानत अली साहब, इन सब के गाने को एक साथ लेकर उसको कुछ अलग ट्विस्ट करके हम परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं. तो अभी देखते हैं कि वो कितना आगे तक जाता है. एक आधा कोई ऐसा है जो हमें एक गाने तो सारे आपने सुने ही होंगे. आई थिंक द अरेंजमेंट इज़ द की. जो गाने अगर आप मान लो मस्त कलंदर मस्त मस्त माँ, तो वो अगर आपने ओरिजिनल सुना हुआ तो उससे बहुत ही अलग उसको रॉक और पूरा स्वैंकी और पूरा मतलब बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं. तो जहाँ भी ये जाए तो हमको प्यार मिले इसकी हम लोग कामना करते हैं. यस, कैन यू प्लीज सिंग द सॉन्ग फ्रॉम लखनऊ सेंट्रल? यस ऑफ कोर्स. हो रब्बा रब्बा मी बरसा साडी कोठी दाणे पा, हो रब्बा रब्बा मी बरसा साडी कोठी दाणे पा, कावा 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 कावा, अज मेरा दिल बोले के अज मेरा दिल बोले, सपने तोड़ दीवार उड़ गए फुर करके, उड़ गए फुर करके, रब ने दी है उड़ान परों में भर भर के, मैं उड़ना उड़ना खून ये खोले, आज मेरा दिल बोले कावा 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 कावा. Thank you so much. It was fantastic thank you, listening to you.
talk and sing. Thank you so much for coming on our podcast. Make sure you subscribe to the podcast 9XM Soundcast, available on all leading audio streaming platforms.